समय जब भी वार करता है हर दिशा में वार करता है, इसलिए समय की रिस्पेक्ट करें। और अब समय आ चुका है बिहार वनरक्षी, जी हाँ बिहार में निकली हुई थी वैकेंसी फॉरेस्ट गार्ड की, उस वैकेंसी 902 पदों की भर्ती का यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको मोबाइल से भी कैसे आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर ये वीडियो आप तक पहुँचता है तो आप अपने दोस्तों तक इसको अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ताकि हर लोगों जो भी लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्म को भरा है उन लोगों तक ये फॉर्म, ये जो न्यूज़ है ये पहुंच सके और वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सके। तो चलिए लेकर चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। और उससे पहले दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाएं चैनल पे और इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते ही एक बेल का आइकन आएगा, उसे भी दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों हम लोग हर दिन रोज़ आपके लिए जो कि शाम को 7:30 बजे की क्लास लेकर आते हैं स्टैटिक जीके की, उसको देखें, क्योंकि आरआरबी जेई में लगातार स्टैटिक जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, चाहे वो आपके स्टेट डांसिंग को लेकर हो या फिर आपके नीति आयोग और जितने भी आयोग निकले हैं बिहार राज्य सरकार के लिए, हर एक राज्य सरकार के लिए और लोकसभा के सीटों के बारे में, हर एक टॉपिक पे जो कि स्टैटिक जीके का हम लोग यहाँ पे आपको वीडियो दे रहे हैं, उन सभी वीडियोस को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इन सभी वीडियोस को देखते रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं csbc.bis.nic.in, ये बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई थी कुल 902 पदों की वन रक्षित यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस लिंक पे, आप देख सकते हैं एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाले क्लिक पे, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे इसकी एडमिट कार्ड का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा, आप इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में देख सकते हैं। पर यहाँ पे जब इसको डाउनलोड करने जाएंगे आप, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अपने क्रोम ब्राउज़र में अगर इसको ओपन कर रहे हैं तो आप इसको अपने डेस्कटॉप मोड पे चालू कीजिएगा। जी हाँ, ये देखिए यहाँ पे साइड में क्लिक कीजिएगा इस 3 डॉट्स पे और यहाँ पे डेस्कटॉप मोड पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे ऐसे देखिए, यहाँ पे बता दे रहा हूँ डेस्कटॉप साइट यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो ये क्या होगा, ये आपका जो एडमिट कार्ड होगा यहाँ से निकल कर आएगा, जो एडमिट कार्ड वो क्लियर हो जाएगा और मोबाइल के थ्रू ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए मैं इस लिंक को क्लिक करता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ इसके ऑफिशियल पेज पे, जहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप अपना यहाँ से चेक कर सकते हैं एडमिट कार्ड कहाँ गया है। दोस्तों इस पे अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ सही नहीं डालेंगे तो ये कैप्चा आपसे फिल करवाएगा, और इस कैप्चे को, जी हाँ आपको भरना होगा और सही सही इसको भरना होगा इस कैप्चे को, तब जाके आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकोगे। चलिए मैं इसको फिल करता हूँ, किसी एक कैंडिडेट का मैंने यहाँ रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ ले रखा है जिसको मैं डाल के यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। दोस्तों मैंने इसको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर फुलफिल कर दिया है, अगर आप देख सकते हैं, और इस पर डाउनलोड वाले क्लिक पे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और इसको डाउनलोड कर लूँगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं और ये कैप्चा इससे आपसे मांगेगा भरने को, चूँकि मैंने इसका एक बार रजिस्ट्रेशन डाल के यहाँ पर इनका एडमिट कार्ड चेक कर लिया है, इसलिए दोबारा मुझसे कैप्चा नहीं मांगेगा, पर ये जो है आपको कैप्चा फिल करवाएगा यहाँ पे। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे ये आपसे कैप्चा फिल आउट करवाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं इनका एडमिट कार्ड यहाँ डाउनलोड हो चुका है और ये इनका एडमिट कार्ड है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आपके पास भी एडमिट कार्ड आ जाएगा डाउनलोड होकर, और आप भी अपना एडमिट कार्ड यहाँ से प्रिंट आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस पे दी गई हैं कुछ जानकारियाँ जो कि आपके एग्ज़ाम रूम में जाने से पहले आपको इसको पढ़ लेना होगा, और एग्जामिनेशन में जाने से इन सभी को एक बार रीड डाउन कर लीजिएगा ताकि कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है और ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए आपको OMR सीट पे एग्ज़ाम देना होता है। तो एक बार प्रैक्टिस के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि कैसे OMR सीट को फिल करना है और इस फॉर्म को कैसे, मतलब इस एग्ज़ाम को कैसे देना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और इस पूरे निर्देश को, इस इम्पॉर्टेंट निर्देश को यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, सारी जानकारी आपके लिए यहाँ इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।